प्राचीन काल से ही किसी भी धर्म के लोग सामूहिक रूप से एक ऐसे स्थान पर प्रार्थना करते रहे हैं जहां पूर्ण रूप से ध्यान लगा सकें, मन एकाग्र हो पाए या ईश्वर के प्रति समर्पण भाव व्यक्त किया जाए। इसीलिए मंदिर निर्माण में वास्तु का बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि हम भारत के प्राचीन मंदिरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि सभी का वास्तुशिल्प बहुत ही सुदृढ़ था, जहां जाकर आज भी शांति मिलती है। ऐसे ही ये मौन मंदिर बना हुआ है। इस मौन मंदिर में जब ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए ये साधना कुटीर सर्वश्रेष्ठ है। इस साधना कुटीर में दूर दूर से जिज्ञासु, सन्यासी तथा भक्तजन साधना में शीघ्र उन्नति के लिए अनुष्ठान करते हैं और फिर उनके क्या अनुभव होते हैं। आश्रम के शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में आश्रम के जो गुरु जी ने मौन मंदिर बनवाए हैं, इसके अंदर जो पिरामिड के द्वारा उसमें जो अभाव उत्पन्न होती है, जो बनती है, उसमें आध्यात्मिक ओरा बन जाती है। ये मौन मंदिर का इतने आध्यात्मिक ओरा है, इतनी शक्तियाँ इसके अंदर, अगर कोई भी साधक इसका लाभ ले तो सुषुप्त शक्तियाँ जागृत करने में काफ़ी प्रोत्साहन होता है। इसमें मेरी काफ़ी उन्नति हुई है, मुझे काफ़ी उसमें अनुभव भी है, मेरे को इतनी शांति और आनंद की अनुभूति हुई है, इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस सभी साधक भाई इस मौन मंदिर का अवश्य लाभ ले, मौन रखे, और देश विदेश में जो कुछ साधक भाई है इसका लाभ अवश्य ले। मैं यहाँ पर अभी लुधियाना आश्रम के पिरामिड्स में मौन मंदिर में ध्यान भजन करने का अनुष्ठान कर रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अनुभव है और शांति की प्राप्ति है। पहले मेरी चंचलता और काफ़ी बहिर्मुखता थी, इसमें मेरे अनुष्ठान मौन मंदिर से रख के मेरे को काफ़ी उन्नति हुई, काफ़ी लाभ हुआ है। ऐसे सभी साधक भाई लाभ लें। हरिओम, ये लुधियाना आश्रम का मौन मंदिर है और बापूजी कृपा से यहाँ पे दूर दूर से भक्तजन आते हैं अनुष्ठान करने के लिए, और कोई 7 दिन का, कोई 21 दिन का और कोई 11 दिन का मौन पूर्वक यहाँ पे अनुष्ठान करते हैं और 7 दिन अंदर ही रहते हैं या 11 दिन मौन रहते हैं। सुबह एक टाइम भोजन मिलता है और दोपहर में थोड़ा हल्का नाश्ता और शाम को दूध मिलता है, तो उनको काफ़ी अनुभव होते हैं भक्तों को यहाँ पे इस मौन मंदिर में आकर के। कोई भी आ सकता है यहाँ पर जब ध्यान अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए और अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा दुर्लभ सौभाग्य है कि यहाँ मौन पूर्वक जप करना, बहुत बड़े भगवान की कृपा होती है। तभी ऐसे मन में विचार उठता है कि हम जप ध्यान या अनुष्ठान कुछ करें, और एक बार मौन मंदिर में आने से कहीं जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यहाँ पर शास्त्र विचार करना, आत्मचिंतन करना और जप करना, संध्या करना, वंदन करना, अनुष्ठान करना, ये बहुत बड़ी पुण्याएं हैं, भगवान की विशेष कृपा होती है, तभी यहाँ पर कोई आ सकता है।